ठीक है, तो लास्ट टर्न पे हम लोग यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज ऑफ ए ज्वाइंट मैट्रिक्स। तो बच्चों लास्ट टर्न पे हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ज्वाइंट मैट्रिक्स। उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी आपने देखी थी, क्या देखी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी? ए इंटू एड ज्वाइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एड ज्वाइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इस प्रॉपर्टी की आप प्रूविंग भी जानते हैं काफी अच्छी तरीके से। तो बच्चों हम एक साइड में पेज क्रिएट कर लेते हैं, और पेज क्रिएट करके मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी की तो प्रूविंग आप देख चुके हैं, लेकिन अगर हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी को हम किस तरह से प्रूव करते हैं। तो ये बच्चों हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग कहते हैं एडजॉइंट ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है। तो ये बच्चों आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी का प्रूफ था जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 के साथ काफी देर तक डिस्कस करके बताया था, और उसी से क्वेश्चन नंबर 11 को मैंने कंप्लीट किया था। ठीक है, आई होप आपको याद आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं बच्चों। तो जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। बच्चों इस बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो ये आपका एक डिटर्मिनेंट है, ठीक है ना, क्योंकि बाहर मॉडल का साइन लगा होता है, दैट मींस डिटर्मिनेंट। तो राइट हैंड साइड में भी एक डिटर्मिनेंट होना चाहिए, और डिटर्मिनेंट आपकी क्या होती है, एक स्केलर वैल्यू होती है, ठीक है ना। और बच्चों इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैट्रिसेस हो तो राइट हैंड साइड में भी क्या होगी, एक मैट्रिसेस होगी। तो ये इस बात का ध्यान दीजिएगा, इससे आप प्रॉपर्टी जल्दी गलत नहीं करेंगे। तो बच्चों आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या देखी थी, आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी देखी थी ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये आपने प्रॉपर्टी देखी थी। और बच्चों ये अब आपके पास सेकेंड प्रॉपर्टी है, तो सेकेंड प्रॉपर्टी आपको कहाँ देखने मिलेगी, ये क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में इस पे एक बेस्ड क्वेश्चन भी ज्यादातर आपको देखने को मिला होगा। तो क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी जो क्वेश्चन आता है एक नंबर का एमसीक्यू, उसमें भी ये प्रॉपर्टी यूज होती है। अब ये प्रॉपर्टी आपके पास जेईई मेंस एग्जाम में भी यूज होती है। तो मैंने बताया था किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आपके पास बार बार फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करना होता है। तो बच्चों जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वहीं से अगर हम उसमें दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लें, तो डिटर्मिनेंट लेने पर हमारे पास ये कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो मैं सारे स्टेप्स आपको लिख करके बता रहा हूँ, इन सारे स्टेप्स को आप ध्यान से देखिए, ये वाला बच्चों अगला स्टेप निकल करके आ जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने आपको प्रॉपर्टीज बता रखी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, जैसे ए और बी दो मैट्रिक्स है, अगर हम उनका डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल होता है। तो बच्चों ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया है, तो वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए। और ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ के ए होता है तो वो के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है। ये बच्चों प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो आप इसको लर्न कर लीजिए। इसका सीधा सीधा प्रूफ भी आपको पता होना चाहिए कि ए सबसे पहले एक मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स में अगर कोई नंबर आप के मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। लेकिन जैसे ही आप उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट लेते ही वो जो के होता है वो पहली रो से, दूसरी रो से, तीसरी रो से, तीनों से बाहर निकलता है, तो वो के की पावर 3 हो जाता है। कब? अगर 3x3 मैट्रिक्स हुई, के की पावर 2 हो जाएगी जब 2x2 मैट्रिक्स हुई। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास अंदर कोई एक स्केलर नंबर आ जाए, जैसे यहाँ पे देखो स्केलर नंबर क्या है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो अंदर अगर कोई स्केलर नंबर है, अगर उस स्केलर नंबर को हम जैसे ही बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन इंटू डिटरमिनेंट ऑफ आई। और बच्चों आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो उसका डिटरमिनेंट तो सेम ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। और हमारे पास बच्चों रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारे पास रिक्वायरमेंट थी एडजॉइंट ए के डिटरमिनेंट की, तो वो हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। तो बच्चों आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी को यूज किया और सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूफ कर डाली। तो अगर आपसे हो सके आप इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली लर्न कर लें, तो ये क्वेश्चंस में काफी जगह यूज होती है। उसके बाद बच्चों थर्ड प्रॉपर्टी, तो थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग मूव कर गए हैं।
जैसा कि बच्चों आप जानते हैं कि किसी भी प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम बार बार ऊपर वाली प्रॉपर्टी को ही यूज करते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू। अब जो आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक स्केलर नंबर है और फिर इसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया गया, तो ओवरऑल बच्चों ये एक मैट्रिक्स, और लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक मैट्रिक्स है। तो बच्चों यहाँ पर आपने ध्यान दिया कि मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के इक्वल ही किया जाता है, ठीक है ना। कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चे ये लिखना भूल जाते हैं और इसको डायरेक्टली लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू, इस ए को लिखते ही नहीं है, ऐसा एग्जाम्स में करते हैं और उनका आंसर भी मैच करता है। चलिए बच्चों अब हमारे पास आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। ये बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर हम फर्स्ट प्रॉपर्टी से ये प्रॉपर्टी प्रूफ करना चाहें तो हमारे पास क्या करना होगा, आप सीधा सीधा आपके मन में आ रहा होगा कि यार इसी इक्वेशन में ए को किससे रिप्लेस कर दे, ए को रिप्लेस कर दे हम एडजॉइंट ऑफ ए से। जैसे हम इस इक्वेशन में ए को एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस करेंगे आपके पास ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाएगी। कैसे प्रूफ हो गई, जरा लिखिए, ए को आपने किससे रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, फिर ब्रैकेट में आइए, आपने ए को किससे रिप्लेस कर दिया एडजॉइंट ऑफ ए से, फिर यहां पर क्या आया, फिर यहां पे आया एडजॉइंट ऑफ ए से, फिर यहां पे क्या है आई। तो आपने क्या बच किया बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी में जो आपको प्रूफ करना है उसको अपियर कराने के लिए आपने फर्स्ट प्रॉपर्टी में जहां जहां ए है उसको एडजॉइंट ऑफ ए से रिप्लेस कर दिया। और बच्चों आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है एडजॉइंट ऑफ ए। तो आप इसको निकालना चाहते हैं, अब आप इसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, लेकिन आप निकालेंगे कैसे, क्योंकि आपको बाकी चीजें तो रिप्लेस करनी पड़ेंगी। अब बाकी चीजें हम कैसे रिप्लेस करेंगे तो पता ही नहीं। इसके लिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम दोनों तरफ इस वाले एडजॉइंट ए को हटाने के लिए हम दोनों का तरफ ए का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ही बच्चों हम दोनों तरफ ए का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, ये क्या है बच्चों, ये तो स्केलर नंबर है तो स्केलर नंबर को एज इट इज लिखे रहने दो, और ये हो गया ए इंटू आई। मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बच्चों आप ये पहले से जानते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बच्चों आई तो तब लिखते हैं जब बगल में मैट्रिक्स ना हो, लेकिन यहाँ पे तो पहले से ही मैट्रिक्स है तो हम उसमें आई मल्टीप्लाई करें या ना करें, या लिखें या ना लिखें, एक ही बात है। और बच्चों आप पहली सेकेंड प्रॉपर्टी में प्रूफ कर चुके हो कि आपका जो ये रिलेशन होता है ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए इंटू आई। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बच्चों धीरे से आप क्या करेंगे, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको आप धीरे से सेपरेट करेंगे, यानी आप लिखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब बच्चों आई आप मल्टीप्लाई करो या ना करो, एक ही बात है क्योंकि ए तो मैट्रिक्स पहले से ही है वहां पे। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपकी धीरे से प्रूफ हो गई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी आपकी प्रूफ हो चुकी है, ठीक। तो इस प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए, आपको यही प्रॉपर्टी प्रूफ करनी थी, दिस इज योर थर्ड वन, कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए होता है। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी और आप इसको प्रूफ कर चुके हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। उसके बाद बच्चों हम लोग नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट वाली आपकी प्रॉपर्टी है वो है आपकी, जो आपने प्रूफ किया था उसमें अब आपको डिटरमिनेंट लेना है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये है बच्चों, तो जिन बच्चों ने जेईई मेंस के एग्जाम दिए होंगे उनको ये सारी प्रॉपर्टीज देख करके रिकॉल हो रही होंगी, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज जो है 2021-22-23 के एग्जाम्स में लगातार यूज की गई हैं। तो ये सारे रिसेंट ईयर की, अगर आप डीपीपी या प्रैक्टिस ईयर या प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम्स लगा रहे होंगे
तो आपको ये प्रॉपर्टीज लगातार दिखी होंगी यूज होते हुए। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ हम लोग आ गए हैं। तो बच्चों अभी हम लोग ने प्रूफ क्या किया था, पहले हम लोग जो प्रूफ किए हैं उसको लिख देते हैं। हम लोग ने प्रूफ किया था कि एडजॉइंट ऑफ ए, क्या प्रूफ किया था इसको हम लोग प्रूफ किया था बच्चों, दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये कुछ बच्चों ने प्रूफ किया था। लेकिन अब हमको क्या करना है, जो हम ऊपर प्रूफ करना चाहते हैं उसके लिए हम दोनों तरफ फिर से क्या ले लेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेंगे। ये देखो बच्चों, अब बच्चों हम लेफ्ट हैंड साइड को तो डिस्टर्ब करेंगे नहीं क्योंकि हमें वही प्रूफ करना है, तो हम इसको लिखे रहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। अब बच्चों ध्यान से देखो, ये बच्चों आपका एक स्केलर नंबर है, और स्केलर नंबर जब बाहर निकलेगा तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होते हुए बाहर निकलेगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एन होता है, क्योंकि हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स की बात ही लेते हैं जब हम एडजॉइंट की बात करते हैं। चलिए बच्चों, तो पावर में क्या आएगा, एन इंटू एन माइनस टू, और ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो बच्चों ये स्टेप आपको समझ में आना चाहिए कि एक स्केलर नंबर था तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ बाहर निकलेगा। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है एन, तो एन एन माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसा कि अभी आपको स्टार्टिंग में प्रॉपर्टी में बताया था, ये स्टार्टिंग के पेज में ये लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे। तो ये बच्चों अगर आपका ध्यान नहीं जा रहा तो ये प्रॉपर्टी मैंने यूज की है, ठीक है। चलिए अब बच्चों जो प्रूफ करना है उसको तो हम लोग डिस्टर्ब करेंगे नहीं, तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। तो ये बच्चों हो जाएगा, बेस सेम होता है तो पावर ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। तो ये हो जाएगा बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ये बच्चों आपका फाइनली प्रूफ हो चुका है। और बच्चों अगर आप इसको एक्सटेंशन करना चाहें तो आप होमवर्क डाल करके इसको घर पर भी प्रूफ कर सकते हैं, या आप एक्सटेंशन लिख सकते हैं। तो बच्चों आपका एक्सटेंशन क्या है, आपका एक्सटेंशन है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये बच्चों उसका एक्सटेंशन हो गया। और ये जो बच्चों एक्सटेंशन होता है ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल क्यूब। इसको बच्चों और भी एक्सटेंशन में ले जा सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए ऐसे भी आ सकता है बच्चों। तो बच्चों जब ये वैल्यू निकल करके आएगी तो उसमें कई सारे ब्रैकेट्स भी होंगे, वो ब्रैकेट्स आप ही को लगाने होंगे, तो ब्रैकेट्स आप लगा लीजिए। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल। तो बच्चों ये सारे एक्सटेंशन होते हैं, अगर आप एक प्रूफ कर लेंगे तो बाकी सबका आइडिया आपको होता चला जाता है। चलिए फिलहाल हम लोग नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अब बच्चों हम लोग के लिए सारी प्रॉपर्टीज की जो प्रूविंग है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब ऐसे भी समझ में आ जाती है कि हाँ ये ऐसा हुआ होगा। तो हमारे पास है कि ए ट्रांसपोज, तो बच्चों नेक्स्ट पेज हम लोग एक क्रिएट भी कर लेते हैं। ये है बच्चों हमारा नेक्स्ट पेज, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों, उसमें लिखा है कि ए ट्रांसपोज का अगर आप एडजॉइंट लेते हैं या एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लेते हैं, तो बच्चों ये एक ही बात होती है। अगर आप इसको फील करना चाहें तो आप कोई भी मैट्रिक्स ए लेकर के पहले आप उसका ट्रांसपोज लीजिए, फिर आप उसका एडजॉइंट निकालिए, या पहले आप उसका एडजॉइंट निकालिए फिर आप उसका ट्रांसपोज निकालिए, तो ये दोनों बातें बच्चों एक होती है। आप कोई भी एक रफ वर्क करके अपने इसको समझ सकते हैं। तो ये फिर से मैं इसको होमवर्क में डाल देता हूँ, तो इसको आप खुद से ही कर लीजिएगा कंप्लीट। और ये प्रॉपर्टी बच्चों आपको लर्न भी करनी है तो साथ में लर्न भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी को भी हम लोग यूज करते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ आ गए। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी क्या है, लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो इसको बच्चों प्रूफ नहीं करते हैं क्योंकि अब आप लोग डायरेक्टली इसको लर्न कर लीजिए, दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और अगर बच्चों उसको हम प्रूफ करेंगे तो फिर से हम अगेन फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, फिर हम उसको यूज करेंगे,
तब इसकी प्रूविंग होगी। लेकिन अब हम इसका एक्सटेंशन आपको जरूर बता देते, और इसकी आप प्रूविंग करना चाहें तो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। इसका एक्सटेंशन जरूर याद रखिएगा कि एडजॉइंट ऑफ एबीसी जो होता है ये रिवर्सल फॉलो होता है, यानी हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। इस तरह से बच्चों ये रिवर्सल भी फॉलो हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी आपको लर्न करनी है। तो दिस इज एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी बच्चों तभी होल्ड करती है, या हम दोनों प्रॉपर्टीज एक साथ ही ले लेते हैं, ये लास्ट टू प्रॉपर्टीज हो गई। तो एक प्रॉपर्टी में जब आप देखेंगे तो एक में नेचुरल नंबर का है और एक में रियल नंबर का है। तो बच्चों ये आपकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। इसमें लिखा है एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम इज इक्वल टू एडजॉइंट ए होल पावर एम, लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब एम आपका क्या हो, नेचुरल नंबर हो। फिर लिखा है एडजॉइंट ऑफ के, तो आप लिखेंगे के को बाहर निकाल देंगे, दिस इज के की पावर एन माइनस वन एडजॉइंट ऑफ ए, जहां पे के आपका क्या है, रियल नंबर है। तो बच्चों ये आपकी प्रॉपर्टीज है, इनको आपको ध्यान देना है और इसको अच्छे से करना है। ध्यान दीजिएगा सेकेंड वाले में के आपका रियल नंबर है, तो के कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो बच्चों साथ में हम लोग क्या करते हैं, ये हम लोग एक एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर रहे थे, वो एक्सरसाइज का नाम था थ्री। तो उसमें जो क्वेश्चंस एग्जाम्स वाले, एक बार हम लोग उसको कर लेते हैं। जैसे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन का डिस्कशन हम लोग अभी करेंगे और इसी प्रॉपर्टी को यूज करते हुए करेंगे। ये है बच्चों क्वेश्चन नंबर सेवन का डिस्कशन, तो हम लोग उसी पेज पे जाते हैं और क्वेश्चन नंबर सेवन को अच्छे से कंप्लीट करते हैं। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेवन, ये हो गया बच्चों। क्वेश्चन नंबर सेवन हम लोग को कंप्लीट करना है। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट में लिखा है कि आपको डिटरमिनेंट ऑफ एड जॉइंट ए कैलकुलेट करना है, और ये तो आप प्रॉपर्टी में आपने सीख ही लिया है कि फर्स्ट पार्ट में डिटरमिनेंट ऑफ एड जॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। एन यहाँ पे ऑर्डर होता है, तो थ्री माइनस वन। तो यानी आपको क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले अगर आप इसका एडजॉइंट कैलकुलेट करें तभी हमारा काम डायरेक्टली नहीं बनेगा, क्योंकि एडजॉइंट अगर आप कैलकुलेट करेंगे फिर आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो आपको टाइम लग जाएगा। तो सीधा सीधा अभी हमने इसको प्रूव कर लिया था सेकेंड प्रॉपर्टी में कि आप किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट निकालना चाहते हो तो उसका जो आंसर होगा वो डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस वन के बराबर होगा। तो आप इसको यूज करेंगे ना कि आप एडजॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसका एक डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो दिस इज वन टाइम्स टू माइनस थ्री माइनस टू टाइम्स माइनस टू, और कितना आएगा माइनस नाइन, प्लस वन टाइम्स ये कितना आ जाएगा माइनस वन माइनस थ्री। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए दिस इज माइनस वन माइनस टू माइनस इलेवन, और ये कितना हो गया माइनस का फोर, दिस इज माइनस वन प्लस 22 माइनस फोर। तो ये बच्चों कितना आया 22 माइनस का फाइव, कितना आया 17। ठीक है, तो ये बच्चों 17 तो निकल करके आ गया। अब हमको क्या निकालना है, फर्स्ट पार्ट बच्चों आपको आंसर निकालना है। तो ये हो जाएगा 17 की पावर 3 माइनस 1 व्हिच इज इक्वल टू 2, तो इसका आंसर हो गया 289। तो बच्चों ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया 289। तो आपको यहाँ पे एडजॉइंट वगैरह निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, जरा हम इसके आंसर भी टैली करते रहेंगे। तो मैं सेवेंथ क्वेश्चन का आंसर जरूर पिकअप करूंगा। तो सेवेंथ क्वेश्चन के आंसर, तो बच्चों ये आंसर यहाँ पे दिए हैं, आप इसको जरूर टैली करिए। तो 17 का स्क्वायर दैट मींस 289, ये हम लोग ने बिल्कुल सही निकाला है। तो ये इसके आंसर्स भी गिवन है, तो ये बच्चों आंसर्स मैंने इसके लगा दिए हैं नीचे, तो आप आंसर जरूर टैली करते जाएं साथ में। सेकंड पार्ट का आंसर, सेकंड पार्ट में आपको क्या निकालना है, दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों ये क्या बताया था मैंने, ये होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का होल क्यूब, प्लस
बच्चों एडजॉइंट ऑफ ए था डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन का स्क्वायर, तो ये है डिटरमिनेंट ऑफ एन माइनस वन का होल क्यूब। उसको एक बार चेक कर लेते हैं, तो बच्चों ये 17 हो गया, और एन क्या है 3 है, तो 3 माइनस 1 कितना हुआ 2, और 2 की पावर 3 कितना हुआ 8, तो ये बच्चों हो गया 17 की पावर 8। तो ये बच्चों बिल्कुल सही हो गया। थर्ड वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या गिवेन है, थर्ड वाले पार्ट में करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a। तो बच्चों जिनको प्रॉपर्टीज नहीं पता होंगी तो वो धीरे धीरे करेंगे, पहले एक मैट्रिक्स ए है फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एक नई मैट्रिक्स डेवलप होगी, फिर आप उसका एडजॉइंट लेंगे, फिर आप उसका डिटरमिनेंट लेंगे, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है। लेकिन अगर आपको आता होगा तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। तो मैंने बताया था एडजॉइंट ऑफ के ए किसके इक्वल होगा, के की पावर एन माइनस वन। तो बच्चों आप प्रॉपर्टी की तरफ ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टी में आपको शो करता हूं, ये देखिए प्रॉपर्टी लिखा है के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो बच्चों यहां पर क्या आएगा 2 की पावर एन माइनस वन, एन क्या है 3, 3 माइनस वन कितना हुआ 2, यानी कि 2 की पावर 2 इन टू, देखो बच्चों मैंने ये प्रॉपर्टी ऊपर वाली यूज कर ली, इन टू एडजॉइंट ऑफ ए। क्या तक क्लियर है सबको, उसका मतलब है बच्चों क्या हो गया, ये हो गया 4 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब बच्चों ध्यान से देखो ये 4 क्या है, 4 एक स्केलर है, तो स्केलर कभी भी निकलेगा तो वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की पावर के साथ निकलेगा, यानी कि 4 की पावर 3 इंटू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट। और बच्चों एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट क्या होता है, वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज 17 की पावर एन माइनस वन, यानी कि 3 माइनस वन व्हिच इज 2। यानी इसका आंसर क्या आया, इसका आया 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 को बच्चों हम लोग 2 की पावर 6 इंटू 17 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये इसका फाइनल आंसर निकल करके आया है। तो बच्चों मैंने आपको एकदम बहुत बेहतर तरीके से प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन कराया, प्रॉपर्टीज आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करनी होगी तभी आप कुछ कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो 11th क्वेश्चन मैंने प्रॉपर्टी पे बेस्ड आपको काफी अच्छे से करा भी दिया था। इसके अलावा 12th क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है, 12th क्वेश्चन अब इजी हो गया आपके लिए, तो ये वाले क्वेश्चंस तो बच्चों आपके फाइनली कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज का एप्लीकेशन आपने अच्छे से सीख लिया, मेन ये प्रॉपर्टीज थी जिनको आप सीख गए।